नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर हो रहे हादसों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इस बाईपास पर हादसे हो रहे हैं। कभी बाइक सवार इस बाईपास पर अपनी जान गंवा रहे हैं तो कभी गाड़ियां घरों में जाकर टकरा रही हैं। मगर इन सब से हमारे शहर के नेता बेपरवाह हैं। कोई अपने घरों में चैन से सो रहा है तो कोई सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। काश ये नेता अगर शक्ति प्रदर्शन मुंब्रा बाईपास के लिए सभा में करते तो आज ये बाईपास अपने आधे अधूरे काम पर आंसू नहीं बहा रहा होता। इस बाईपास पर आज स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा दीवार मौजूद रहती। सुरक्षा दीवार न होने की वजह से आज सुबह बाईपास पर दो कंटेनर की टक्कर होने के बाद नीचे बने घरों पर जा गिरे। ये हादसा आज सुबह करीब 4 बजे के वक्त हुआ है। बाईपास पर नवी मुंबई ठाणे की तरफ से एक कंटेनर जा रहा था और दूसरा कंटेनर ठाणे से नवी मुंबई की तरफ जा रहा था। ये दोनों कंटेनर मुंब्रा बाईपास पर हनुमान मंदिर के पास टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद दोनों कंटेनर चांगुन शनिवार आवटे के घर पर जा गिरे। गिरा है जो हम लोग बाजू में रहते हैं, ये लोग हमारे अभी बच्चे लोग छोटे छोटे 2 साल के बच्चे हैं, उनको लग गए हैं। अभी इतने सारे चोट लगे, उनको कौन भरपाई करके देंगे? हाँ, अगर कोई मर गया तो क्या करेंगे हम लोग? रात के 4 बजे 3 बजे गाड़ी ऊपर से नीचे आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे लोग को लेकर किधर भागेंगे? हाँ, कौन भरपाई करके? नगर सेवक तो कोई नहीं आते देखने के लिए। वोटिंग के टाइम पे बराबर आते झक मारने के लिए, इधर हम लोग को वोट दो, हम लोग को वोट दो। और अभी इस टाइम पे कोई नहीं आएगा देखने के लिए? हाँ, ये बच्चे लोग के घर, अभी ये घर टूट गए, कौन भर के देगा हम लोग को? हाँ, अभी इस पहले भी एक ऊपर घर पे गिरा था ट्रक, तभी भी कोई भर के नहीं दिया, सब भाग के जाते ऐसे ही। देखो, 2 बार होगा, ये घर सब टूट गया था। वो उनके बाल बच्चे को बहुत मार लगा था, उसको भी कोई एक पैसा नहीं दिया। अभी तो हमारे जान पे सब है और सब हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बहुत साल से इधर रहते, 70-80 साल से हम इधर है, कोई हमारे ये करता ही नहीं। तो देखो, अभी ये नहीं कोई हिसाब करेंगे ना तो ये रोड हम पूरा बंद करेंगे, गाड़ी जाने नहीं देंगे हम लोग। देखो, ये हमारा फैसला है, सबका है ना, सबका फैसला हमारा ये है। हम सब रोड बंद करके रखेंगे, अभी जरा भी नहीं किसका मानेंगे, कोई हमारा हिसाब सब करता ही नहीं। हम गरीब लोग है, रोज कमाते रोज खाते, अभी ये इसका बच्चा, ये इसके बहू को तो बहुत मार लगा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में 8 लोग सो रहे थे, जिसमें से 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें दिनेश आउटे 3 वर्षीय, भाग्यश्री 27 वर्षीय, बाबू शनिवार आउटे 29 वर्षीय, चांगुन आउटे 50 वर्षीय, किशोर 18 वर्षीय, दीपक 7 वर्षीय, जो मामूली रूप से घायल हैं। वहीं इस हादसे में एक कंटेनर चालक फरार है तो वहीं दूसरा कंटेनर चालक अब्दुल माना घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। इस बाईपास के किनारे रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। लोगों ने कई बार सुरक्षा दीवार की मांग की, मगर अभी तक सुरक्षा दीवार स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई है। देखने वाली बात यह है कि कब हमारे शहर के नेता जागेंगे और कब इस बाईपास पर सुरक्षा दीवार और स्ट्रीट लाइट लगेगी। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई है, कंटेनर के निकालने का काम जारी है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।